मॉनसून की शुरुआत के बाद लंबे समय के इंतजार के बाद करीबन 5 जुलाई से बुल्ढाणा जिले में भारी बारिश हुई। किसानों ने बुआई भी शुरू कर दी है क्योंकि इससे गर्मी की तपिश शांत हो गई है और बहुप्रदेश बुआई के लिए जंगल साफ हो गए। आमतौर पर बुआई 7 जून के बीच होती है या बुआई का माहौल बनता है। प्रकृति उस अर्थ में स्वयं को बदलती है, लेकिन प्रकृति की चंचलता अज्ञात है। इनमें से एक है सोयाबीन, एक ऐसी फसल जो किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। इस फसल को जितनी जल्दी बोया जाएगा पैदावार उतनी ही अधिक होगी, और जबकि फसल अच्छी तरह से उगाई गई है, बारिश लगभग एक महीने की देरी से हुई है। दो दिनों की झमाझम बारिश के बाद अब किसानों ने बुआई करना शुरू कर दिया है। आज पर्यंत एक महिन्यापासून आमच्या भागात पाऊसच नव्हता। आजपर्यंत आम्ही एक महिनाभर पावसाची प्रतीक्षा केली व 2 दिवस अगोदर आमच्या भागात दमदार पाऊस पडला, त्यामुळे आज आम्ही पेरणीला सुरुवात केली। आणि निसर्गाने जर आम्हाला साथ दिली, अशीच चांगली साथ दिली, तर आम्हाला कोणत्याच गोष्टीची गरज भासणार नाही। पण निसर्गाने आम्हाला जर साथ नाही दिली तर शेतकऱ्याची खूप हानी होण्याची चान्सेस असतात। त्यामुळं आज आता 2 दिवस अगोदर चांगला पाऊस पडल्यामुळे आम्ही पेरणीला सुरुवात करत आहे आणि शेत पेरत आहे। काय काय पेरलं?